हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एसएससी सीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2019। आई होप आप सभी का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा और आप लोग जानते होंगे इस बात को कि आपके आंसर की आ चुकी है। अगर आप नहीं दिखे तो आंसर की, तो प्लीज जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ देखेंगे। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कट ऑफ वही रहेगी, ठीक है। तो प्लीज जो सब्सक्राइब माई स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो फटाफट चलते हैं। देखिए, जो कट आउट डिपेंड करती है गाइस, कुछ फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी, अपीयर कैंडिडेट, लेवल ऑफ एग्जाम, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। ये सारे जो मैटर डिपेंड करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 671,591 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। कितने? 671,591 लोगों ने एग्जाम को जो है, यानी कि एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है एसएससी सीपीओ का, ठीक है। और कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? 261,607 लोगों ने अटेम्प्ट किया। देखिए, अटेम्प्ट करना बहुत मैटर करता है, फॉर्म फिलअप किया गया ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो है अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया। अगर हम प्रतिशत में निकालें तो तकरीबन ये आएगा 38%, यानी कि 38.83% आएगा, ठीक है। तो ये इतने लोगों ने एग्जाम को जो है अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और साथ के हम ये देखेंगे कि वैकेंसी कितनी थी। अगर हम बात करें 2017 में वैकेंसी थी 3613 वैकेंसी थी, कितनी? 3613 वैकेंसी थी, ठीक है। उसके बाद 2018 में कितनी? 1688 वैकेंसी थी, तकरीबन इतनी अप्रोक्सीमेटली 1688 वैकेंसी। इस साल कितनी वैकेंसी? सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि भाई इस साल वैकेंसी कितनी है। देखो गाइस, बताना चाहूंगा, इस साल जो वैकेंसी है 2998 वैकेंसी है। तो ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो है कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी, अपीयर कैंडिडेट, लेवल ऑफ एग्जाम, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं लेवल ऑफ एग्जाम। आप लोग जानते हैं रीजनिंग एबिलिटी, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और इजी टू मॉडरेट रहा रीजनिंग। आप लोग इस बात को जानते होंगे, एसएससी की जो रीजनिंग आती है, सारे एग्जाम एसएससी की जो रीजनिंग होती है वो तो इजी होती है, हर स्टूडेंट 40 से 42 जो है अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा था 35, 30 से 35, इजी टू मॉडरेट है इंग्लिश लैंग्वेज 35 से 40, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आप लोग बखूबी जानते हैं, मॉडरेट लेवल का रहा, क्योंकि देखिए जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो आराम से इजिली जो है 35+ इजिली करके आएगा, यानी आप लगा लीजिए वो 40 भी कर सकता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट एसएससी जीएल और सीपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 30 मार्क्स ही, यानी कि 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक तरीके से एक टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो 30 भी हम इसको माने तो एक गुड अटेम्प्ट के काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि देखिए ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर हम देखा जाए, ऑफलाइन मोड में जब एग्जाम होता था जो कट ऑफ कम जाती थी, तब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है 2017 से, तो कट ऑफ ज्यादा जाने लगी है, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑफलाइन, ठीक है। जनरल की गई थी मेल की 117 और फीमेल की 112.50, ओबीसी की 102 और फीमेल की 97.75, एससी की 90.25 और फीमेल की 84.75, एसटी की 90 और 81, ठीक है। ये कब गई थी हमारी? 2017 टायर वन की, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं टायर वन की, 2017 और टायर वन और टायर सेकंड की, ठीक है। जो हमारी गई थी ओवरऑल कट ऑफ जो है, इंग्लिश का पेपर होगा टायर सेकंड में, उसके बाद 293.50, फीमेल की 264.75 और ओबीसी की 271.75 और 192, एससी की 217.50 और फीमेल की 161.00, एसटी की 230 और फीमेल की 140.50, ये कट ऑफ गई टायर वन टायर सेकंड, यानी टोटल मिला के। अब हम लोग देखते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कट ऑफ देखें, देखिए जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें डीपली जाएं तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हमको ने केवल एक आइडिया देती है भाई कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। अगर हम देखिए, अगर हम बिहार पब्लिक सर्विस एग्जाम की बात करें, बिहार का कोई एग्जाम हुआ या स्टेट का कोई भी एग्जाम हुआ, हरियाणा में कोई एग्जाम हुआ, स्टेट लेवल पर एग्जाम हुआ, तो जो कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसमें इतना क्रूशियल रोल प्ले करती है कि इस साल भी कट ऑफ वही जाने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, इस साल की कट ऑफ वही जाने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 2018 की कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। 140 गई थी मेल की, फीमेल की 137.60, ओबीसी की 133.36, 127.51, एससी की 114.23 और फीमेल की 110.53,
ST की 111.17 और 99.50, ठीक है, ये गई थी हमारी, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, SSC पे होके गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की। मैंने आपको बताया, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, नॉर्मलाइजेशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, SSC बैंक हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग में भले कुछ कम मार्क्स बनते हैं लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स बनते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन आप लगा लीजिए, जिसका पेपर शिफ्ट का टफ था उसके 15 से प्लस मार्क्स बने थे, 15-16 मार्क्स ज्यादा बने थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मलाइजेशन, अगर आपको पेपर इजी टू मॉडरेट है 34 मार्क्स बनेंगे, मिलेंगे मिलेंगे आपको, मॉडरेट है 78 मार्क्स और टफ है तो 12 से 14 के आपको हो सकता है 15 या 16 मार्क्स आपको मिल जाए, ठीक है, ये डिपेंड करेगा ये कि क्या क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन रिप्लाई करता है, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी बिहार का जैसे एग्जाम हुआ है, ठीक है, आपने देखो देखा होगा बिहार SI का एग्जाम हुआ है, यानी कि दरोगा का एग्जाम हुआ, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक शिफ्ट का मॉडरेट पेपर आ गया, एक शिफ्ट का पेपर जो है मॉडरेट टू टफ आया, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा। स्टेट के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं हो रहा है, हरियाणा का एग्जाम होता है 21-22-23, कल का एग्जाम होता है वहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो सेंट्रल लेवल पर एग्जाम तो एग्जाम है तो वहां पर तो हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए मेल और फीमेल का देखते हैं, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ बहुत ज्यादा चांसेस यही रहेगी, 133 से 137 मेल की, फीमेल की 127 से 131, ओबीसी की 130 से 134, फीमेल की 118 से 123, ST की 25 से 130, 112 से 116, ST 115 से 120 और फीमेल की 106 से 110, ठीक है। यह आफ्टर नॉमिनेशन मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस यही रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।